गया है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे कि ढोल से ज़्यादा हमारी आवाज़ आए। और हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये प्रीमियम लॉन्च का एक डब्बा है जिसके अंदर कैफेटेरिया बनाया गया हुआ है ब्रिटिश दौर का, और ये बड़ा ही बेहतरीन किस्म का डब्बा है जिसके अंदर 40 से ज़ायद खाने दिए जाएंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब पसंद आएगा, और अगर आवाज़ नहीं आएगी तो मैं इंटरव्यू दोबारा देखूँगा। देख सकते हैं भाई आप लोग, जी बहुत अच्छा लगा। रेलवे का सिस्टम आपने थोड़ा बदल दिया, डाइनिंग कार हम देखते थे तेजगाम में या और मुख्य गाड़ियों में, वो तो बिल्कुल चेंज होती थी, जिसमें आपको मिलती थी सिर्फ दाल कढ़ाई या बिरयानी, लेकिन हमने सुना है कि आज 40 किस्म के खाने, बल्कि उससे भी ज़्यादा है, और वो खाने जो आपने कभी खाए भी नहीं होंगे, और 5-स्टार डाइनिंग कार आपने लॉन्च कर दी, सर कैसे कर लिया? ये पहला कदम है, और अभी इंशाल्लाह ताला जो है ये बढ़ता जाएगा, और ऐसा ऐसा इंशाल्लाह ताला ये हमने मिनिमम स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि हम चाहें अगली गाड़ियों में इससे कम स्टैंडर्ड नहीं दे सकते, और हमारे जो कंपेटिटर भाई हैं जो पूरे पाकिस्तान में रेलवे में कर रहे हैं, और वो भी सब जो है वो इंशाल्लाह ताला इस लेवल पे इसको अपग्रेड करेंगे, और पाकिस्तान रेलवे इन पर्टिकुलर जो है अब इससे कम फैसिलिटी इंशाल्लाह ताला रहने नहीं देगी। और रेलवे पॉलिसी के तहत इन्होंने, पाकिस्तान रेलवे ने नई ट्रेन में और सब में जो है वो अपग्रेड किया डाइनिंग पॉलिसी, तो हम इंशाल्लाह ताला इसके अंदर 40+ खाने होंगे, जिसके अंदर जो है वो पिज़्ज़ा शामिल है, जिसके अंदर बारबेक्यू शामिल है, जिसके अंदर नान रोटी जो है वो अंदर ही तंदूर में तैयार होगी, इसमें मटन शामिल है, चिकन बटेरे और जो जो चीज़ें हैं जो एक नॉर्मल शहर के अंदर रेस्टोरेंट के अंदर मिलती हैं, वो सारी की सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी। इससे पहले लिमिटेड मेन्यू होता था कि कढ़ाई ले लें, कोरमा ले लें या चावल ले लें, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमने शामिल की है, और इंशाल्लाह गरम गरम पिज़्ज़ा और गरम गरम फैसिलिटीज़ आप सबके लिए। अच्छा सर, मुझे बताएं कि ये तो खैर आपने भी लगाई है जिक्र के साथ, इसके अलावा पाकिस्तान रेलवे में और भी काफ़ी गाड़ी चलती है इसके अंदर डाइनिंग कार हैं, तो क्या आप समझते हैं कि उनमें भी इस तरह की डाइनिंग की ज़रूरत है? देखिए, एक पाकिस्तान रेलवे का प्रोसीजर है जिसके तहत जो है वो आउटसोर्सिंग होती है, पेपर रूल्स के मुताबिक वो आउटसोर्सिंग करते हैं। अगर तो हाँ, पाकिस्तान रेलवे ने आउटसोर्स की ट्रेन मेन लाइन की डाइनिंग कार की, और हम उसमें विन कर जाते हैं और हाईएस्ट बिडर होते हैं, तो डेफिनेटली ये इंशाल्लाह ताला मिनिमम लेवल होगा, और इसके बाद अगर हम किसी गाड़ी पे जाएंगे तो इंशाल्लाह इससे ज़्यादा अच्छा इंटीरियर करेंगे, इससे ज़्यादा बेहतर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना की कोशिश करेंगे। ये हमारा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है, और रेलवे का भी, तो इंशाल्लाह ताला एक जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है पूरे पाकिस्तान के अंदर के रेलवे के अंदर जो है ड्यूरिंग जर्नी अपना खाना लेके जो अंदर अच्छा खाना नहीं मिलता, तो अब आपको बहुत अच्छा खाना मिलेगा, और बहुत अच्छी जो है डाइनिंग फैसिलिटी, फाइन डाइनिंग की फैसिलिटी मिलेगी, कि आप एक सफ़र को सफ़र की तरह नहीं, एक एंजॉयमेंट की तरह इंशाल्लाह एंजॉय। मेन्यू प्राइस के बारे में क्या कहेंगे? मैं एक मिनट, इनका मेन्यू प्राइस जो है वो स्टार्ट होती है 180 रुपीज़ के प्लेटर से लेके, तो वो एक्सट्रीम एंड तक ज़ाहिर है बटेरों की प्राइस और होगी, मटन की प्राइस और होगी, लेकिन जो प्रीमियम डाइनिंग लाउंज के अंदर मेन्यू है वो उसका सेम कंपैरिजन आप कहीं पे भी मिडल रेंज ऑफ रेस्टोरेंट्स के साथ कर सकते हैं, वो हमने वही प्राइसेस रखी हैं, जबकि जो दूसरा जो आप अपनी सीट के ऊपर ऑर्डर करना चाहें वो हमने बड़ा नॉमिनल और लो प्राइस का मेन्यू रखा है, जिसके अंदर 180 रुपीज़, 200, 250 रुपीज़ के भी डील प्लेटर्स हैं, जिसके अंदर दाल सब्ज़ी कोरमा बिरयानी सब चीज़ें अवेलेबल होंगी, ताकि वो लोग अपने जो रोम अराउंड कर रहे हो वेटर्स, और वो उधर उनसे ऑर्डर करके उनको अपनी सीट पे अवेलेबल हो। तो वी हैव केटर्ड फ्रॉम एक्सट्रीम लो साइड टू द मैक्सिमम साइड। थैंक यू सर। अगर इसके अंदर कोई सीट फाड़ देंगे या कोई और नुकसान पहुंचाएंगे, तो क्योंकि ये अब तो डिटैच हुई भी है, लेकिन फिर जब ये रनिंग में आ जाएगी तो इसकी मेंटेनेंस उतनी आसान नहीं होती कि हम इसको अलग करके इसको मेंटेन कर सकें, तो ये आप लोगों का एसेट है, आप इसको ओन करें, और ओन करने के बाद मैक्सिमम ट्रैवल करें पाकिस्तान रेलवे के साथ, और इस गाड़ी पे भी ऐसा नहीं आ रहा कि हम क्या कहते हैं ट्रेन में बैठे, अपना एंजॉय करें।
जी तो भाई हम फिर वन एंड ओनली समीना बाजू के साथ है। जल्दी जल्दी भाग के आगे, मैं नहीं करती किसी का इंतजार कर रही है भाई, ये लोग आएंगे। बट आपने भी हमें ढूंढ रहे थे यार, तो नहीं बता। अच्छा अच्छा चले कोई बात नहीं। खाना यहाँ पे सर्व हो गया, बहुत खुशबू आ रही है। आप देखिए मेरी प्लेट दिखाएं, सबसे पहले आपकी उम्दा किस्म की खुशबू आ रही है। ये आलू कीमा है, ये चने का सालन है, ये हलीम एंड पिज्जा। तो ओ वाह, मतलब ये आते जाओ खाते जाओ खाते जाओ और जाते वाह, मतलब सीन कुछ ऐसा ही है, कुछ ऐसा ही है। तो वन बाय वन इससे पहले और चीजें आ जाए, प्लेट में जगह नहीं है भाई। चलो भाई जन्नत खाने साथ, आर यू रेडी एक्साइटेड? So let's try. जी तो भाई हमारे पास आ चुका है पिज्जा, और यहाँ पर हमारे पास है हलीम कीमा आलू, और ये क्या बताया था आपने? आलू कीमा चने का सालन ना हलीम। तो अब जन्नत आपने पिज्जा ट्राई किया, कैसा लगा? मज़े का है। तो इसके डो आप देख सकते हैं बहुत सॉफ्ट है, ये देखें बहुत इजीली टूट रहा है, और टेस्ट में बहुत लजीज है। अब हम आपको सब कुछ खाने के बाद मिलते हैं, वरना ऐसे खाना ठंडा हो जाएगा। आप ये देखें। Yes. खाएं? अब आप खाएं, अब आप खाएं, आप बताएं कैसा है। एंड हो गया, मजा आ गया। किड्स का फेवरेट पिज़्ज़ा, मतलब दिल गार्डन गार्डन हो रही है, लग ही नहीं रहा, बस ये हिल रहे ना तो उसकी। माशाल्लाह से अच्छा गुजरा, खुश अखलाकी से ऑर्डर लेना और फिर उसको सर्व करना, तो ये चीज अच्छी लगी। तो इसमें मुझे तो 10 में से 10 नंबर देने पड़े, क्योंकि इस किस्म का काम पहले कभी हुआ नहीं पाकिस्तान रेलवे में। इवन कि आपको इंडिया में भी इस किस्म की डाइनिंग कार किसी भी ट्रेन में लगी हुई नजर नहीं आएगी। इंशाल्लाह ताला अगर आगे भी हमें अपॉर्चुनिटी मिली और हम जीतते कोई टेंडर्स, तो इंशाल्लाह ताला जरूर हम जो है वो बाकी गाड़ियों को भी इसको अपग्रेड करेंगे। डाइनिंग के साथ ऑब्वियसली हर क्लिप के साथ हर चीज के साथ हमारी चीली मिल गई। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। अभी हम लोग आ गए हैं डाइनिंग में, और फिर रिम लॉन्च की जो डाइनिंग चल रही है यहाँ पे हमने आज ट्रैवल करा है, तो कल से हमारा ट्रैवल चल रहा है। इंशाल्लाह मजीद नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं वो आप लोग